आवाज और आवाज तस्वीर और के तस्वीर प्यारे के दोस्तों, प्यारे अस्सलाम दोस्तों वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जो शख्स सुबह शाम आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, अल्लाह उसका मुहाफ़िज व मददगार बन जाता है। सहाबी रसूल जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त सूरह मोमिन की इब्तदाई 3 आयात और आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला इनकी बरकत से शाम तक हिफाजत फरमा देगा, और शाम को ये अमल करे तो सारी रात उसकी हिफाजत की जाएगी। प्यारे दोस्तों, जो आप सुबह शाम जिक्र वज़ाइफ का विर्द करते हैं, इनके साथ आयतुल कुर्सी और कुरान के 24वें पारे से सूरह मोमिन की पहली 3 आयात को शामिल कर लें। वो 3 आयात ये हैं। غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير। सुबह शाम पढ़ना आपका काम और हिफाजत व बरकत फरमाना अल्लाह का काम है। कारोबार पर जाने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें। दुकान खोलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। दफ्तर में दाखिला के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें। फैक्ट्री का गेट खोलने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। शाम को घर लौटते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें। दुकान का शटर बंद करते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें। कारखाने को ताला लगाते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें। रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। आयतुल कुर्सी और सूरह मोमिन की इब्तदाई 3 आयात की तलावत को मामूल बना कर रखें। इंशाल्लाह बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी। घर में सुकून होगा, काम में दिल लगेगा, दुकान पर ग्राहक आएंगे, दिल इत्मीनान मिलेगा, बीवी बच्चों में राहत होगी और दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल हो जाएगी। ये अमल अपनाइए और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को समेटिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मज़ीद ऐसी फ़ायदेमंद वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। See you again.